अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं आज एक गुड हाइजीन प्रैक्टिस को बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये कितना प्रकार का होता है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। GHP इसका फुल फॉर्म है आपको गुड हाइजीन प्रैक्टिस। किधर भी हो आप, चाहे स्कूल में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे किचन में हो, या चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे ऑफिस में हो, ये GHP रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको 8 स्टेप में 8 टाइप का GHP है। इसमें से कोई आपको यूज होता है, कोई यूज नहीं होता है। जो जो यूज होता है आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मैं बोलता हूं, एक नंबर में हैंड वॉश, GHP है हैंड वॉश। ईच ऑन एवरी बॉडी को चाहिए हैंड वॉश। उसके बाद दो है पर्सनल हाइजीन, दो में आपको आता है पर्सनल हाइजीन। तीन नंबर में आता है आपको क्लीनिंग प्रोसीजर। चार नंबर में आता आपको फिटनेस फॉर वॉक। आप किधर भी काम करते हैं तो फिटनेस होना बहुत जरूरी है, विदाउट फिटनेस का आप काम नहीं कर सकते। पर्सनल हाइजीन ये भी आपको साफ सोप या तो क्लीन रखकर, जो भी एक्सरसाइज रिलेटेड हो वो आपको क्लीन रहना, सफाई रहना पड़ता है। उसके बाद आपका प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, ये आपको रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करते हैं और मान कर चलिए हॉस्पिटल में वाइट शॉर्ट कॉपर डाल के रहते हैं, नर्स लोग भी जो भी रहते हैं वो लोग भी एक उनका भी ड्रेस कोड रहता है, ये उनका क्या है प्रोटेक्टिव क्लॉथ बोलते हैं जो। उसके बाद आता है आपको फाइव नंबर में आपको पेस्ट कंट्रोल। घर में हो या कोई इंडस्ट्री में हो, कोई ऑफिस में हो, पेस्ट कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है आपको नंबर में आपको वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी हो A to Z जो वेस्टेज चीज़ें राइट जगह में फेंकना चाहिए, राइट प्रोसीजर में रखना चाहिए। जैसे डस्टबिन, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, डस्टबिन में रखना चाहिए विथ लीड वाला डस्टबिन होना चाहिए। फिर डस्टबिन होकर आपको फेंक चाहिए। उसके बाद आप इक्विपमेंट मेंटेनेंस माने आपको, जैसे मान के चलिए ऑफिस में काम हो रहा है उसमें तो ऑब्वियसली जेरस मशीन या तो आपको कंप्यूटर का काम या लैपटॉप काम, उसमें प्रॉपर टाइम टू टाइम इक्विपमेंट मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। ओके, मेरा यही 8 स्टेप्स था GHP का। फर्स्ट हैंड वॉशिंग, पर्सनल हाइजीन, फिटनेस वॉक, उसके बाद मेंटेनेंस, इक्विपमेंट, क्लीनिंग प्रोसीजर, उसके बाद